तो दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अमेजोन पे एप्लीकेशन से फास्टैग का रिचार्ज कैसे करते हैं। इस वीडियो में आपको फुल जानकारी देने वाला हूँ और आपको लाइव प्रूफ के साथ सिखाने वाला हूँ कि रिचार्ज कैसे करते हैं फास्टैग का। अगर आप भी अमेजोन पे एप्लीकेशन से फास्टैग का रिचार्ज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिए। अभी आप बहुत ही आसानी तरीके से अपना फास्टैग का रिचार्ज करना सीख सकते हैं अमेजोन एप्लीकेशन से। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों की ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने अमेजोन पे एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा अमेजोन एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे देख सकते हैं अमेजोन पे सेंड मनी में पे बिल्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली से इसमें आपको क्लिक करना है तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज के बाद यहाँ पे गूगल पे रिचार्ज के यहाँ बगल में लिखा हुआ है फास्टैग रिचार्ज और यहाँ पे गाड़ी का सिंबल छापा हुआ है, ठीक है, वाईफाई का। उसमें सिंपली से आपको क्लिक करना है, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर व्हीकल नंबर यानी अपना वाहन का गाड़ी का नंबर यहाँ पे इंटर करना है यानी डायल करना है, ठीक है। यहाँ से अपना गाड़ी का नंबर इंटर कर देना है। तो चलिए मैं अपना गाड़ी का नंबर यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। उस गाड़ी नंबर यहाँ पे व्हीकल नंबर डायल करने के बाद यहाँ पे इंटर करने के बाद यहाँ पे फास्टैग इशूइंग बैंक, मतलब आपका फास्टैग कौन सा बैंक से लिंक है उस बैंक को यहाँ पे चूज करना होगा। यहाँ पे क्लिक करके उस बैंक को आप चूज कर सकते हैं। जैसा कि मेरा कोटक महिंद्रा बैंक से है तो मैं इसमें क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसमें सिंपली से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे भुगतान की जाने वाली राशि, अपना फास्टैग में कितना का रिचार्ज मारना चाहते हैं उस अमाउंट को यहाँ पे इंटर करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे 150 का अमाउंट फिल कर देता हूँ। उसके बाद फास्टैग रिचार्ज पे आपको सिंपली से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूपीआई नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से आप सिंपली से यूपीआई नंबर को फिल करके यहाँ पे इंटर कर देना है। तो ये आपका फास्टैग का रिचार्ज सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी तरीके से सीख गए होंगे कि अमेजोन पे एप्लीकेशन से फास्टैग का रिचार्ज कैसे करते हैं। तो कर दीजिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।